बच्चों एक कंसेप्ट हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। इसमें मशीन गन से रिलेटेड सवाल रहता है, इस पे लगातार बॉल्स निकलते रहती है। देखिए ए मशीन गन इज फायरिंग एन बुलेट्स पर सेकंड। ध्यान देखिएगा, है ना, इच बुलेट हैज मास कितना है एम एंड वेलोसिटी मान लीजिए आप यू मान लीजिए भी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या है कि मशीन गन लगातार बुलेट छोड़ेगा ना, तो मशीन गन को होल्ड करके रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो वही पूछा है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उस आदमी को जो मशीन गन से फायर कर रहा है ताकि वो ऐसे रेस्ट पे रहे, ठीक है ना। ये उतना ही होगा जितना मशीन गन का रिक्वायर्ड फोर्स होगा, है ना। तो कह रहा है फाइंड रिक्वायर्ड फोर्स ऑन मशीन गन। देखिए इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, मशीन गन से लगातार बुलेट फायर हो रही है ना, तो ये वेरिएबल मास सिस्टम में आ गया। किसमें आ गया? वेरिएबल मास सिस्टम में आ गया, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको हम फॉर्मूला बताए थे वी इंटू डीएम बाई डीटी, ठीक है। तो वी की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? वेलोसिटी यू। समय जो है, समय की जगह नीचे क्या लिखना आपको? 1 सेकेंड, ठीक। 1 सेकेंड में जो चेंज इन मास आएगा वो देखिए कितना बुलेट छूट रहा है, एन बुलेट कितना सेकंड में, 1 सेकंड में सेकंड तो कितना मास निकल के भाग गया? एम इंटू एन, एक बुलेट का मास एम है तो 2 बुलेट का मास क्या हुआ? 2m। 3 बुलेट का मास 3m, एन बुलेट का मास एन एम। इतना बुलेट है जो निकल के भाग गया, तो इतना मास में क्या आ गया? चेंज आ गया। तो यही आपका आंसर है, एम इंटू एन इंटू यू। इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है मन्नू, याद रखना, ठीक है। देखिए इसी टाइप का एक सवाल और रहता है जी बच्चों। देखिए कहेगा कि एक दीवाल है, एक क्या है? दीवाल है, या मान लो क्या कह रहे हैं कि एक प्लेट है। आप कैसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ये दीवाल है। अब मान लो कि बहुत सारा बुलेट आ रहा है, क्या आ रहा है? बहुत सारा बुलेट आ रहा है, सब कितना के स्पीड से आ रहा है? यू के स्पीड से। ऐसे टकरा के रुक गया, टकरा के क्या हो गया? रुक गया। बुलेट कोलाइड एंड स्टॉप, बुलेट का संख्या वही है एन बुलेट्स पर सेकंड वाला कहानी है, अब मास भी वही है किसी एक बुलेट का एम, तो दीवार पे कितना फोर्स लगेगा? सेम आंसर आ जाएगा, चेंज मोमेंटम कितना आएगा? यही आएगा ना, इतना मास है, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनली जीरो। और समय कितना लगेगा? 1 सेकंड, ठीक है। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा, फोर्स ऑन वॉल, फोर्स ऑन वॉल, अगेन ऐसे याद रखिएगा मन्नू, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, सेम क्वेश्चन, अगर बुलेट्स रिकॉइल कर जाए सेम स्पीड से, ठीक है ना, इवन डिफरेंट स्पीड से भी कर सकता है। मान लीजिए बुलेट आया और टकरा के रिकॉइल कर गया, ठीक है, तब भी आप निकाल सकते हैं रिकॉइल फोर्स ऑन वॉल, आपको पढ़ाए थे ना हम, एम इंटू एन वैसे रहेगा, यू प्लस भी कर दीजिएगा खाली। और अगर भी और यू सेम रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं, दो को मन्नू हो जाएगा, है ना। ये भी लिख दे रहे हैं अलग से, इफ यू बराबर भी देन फोर्स इक्वल टू, दो को मन्नू हो जाएगा, समझ गए। ये तीनों एक ही कंसेप्ट में था, नंबर ऑफ बुलेट्स पे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
चलिए अब आपको हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, एक्सप्लोजन, जिसमें भी कंजर्वेशन ऑफ लीन मोमेंटम काम करता है। जैसे कि आप समझ गए, अभी जो अभी दिवाली बीता है जी, तो पटाखा जब फटता है तो उसको आप हथौड़ा मारते हैं तब फटता है नहीं, वो उसका अपना इंटरनल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो आप उसको केमिकल फोर्स कह सकते हैं, केमिकल फोर्स इंटरनल फोर्स होता है जिसके कारण बॉम्ब क्या होता है एक्सप्लोड कर जाता है, उसमें एक्सटर्नल फोर्स का कोई रोल प्ले नहीं होता एक्सप्लोजन में, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू, एक्सप्लोजन, ठीक है ना। तो एक्सप्लोजन क्यों होता है, ध्यान रखना, ये होता है ड्यू टू इंटरनल केमिकल फोर्सेज, केमिकल फोर्सेज। और इस वाले में अगेन हम कहना चाहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्सेज का कोई रोल प्ले नहीं रहता है, इसलिए इनिशियल लीनियर मोमेंटम टोटल और फाइनल लीनियर मोमेंटम टोटल आपस में क्या रहेगा जी, बराबर रहेगा, ठीक है। अब इसको मैं आपको दो एग्जांपल से बता देता हूं, ठीक है ना। अभी गन बुलेट सिस्टम पढ़ाए थे ना, उसके हिसाब से मान लो कि एक पार्टिकल है और ये शुरू में कैसे था, अचानक से ये क्या कर गया, एक्सप्लोड कर गया, तो दो पार्टिकल बढ़ जाएगा ना, एक इधर भागेगा और एक इसके जस्ट पीछे भागेगा, क्यों, क्योंकि मान लो इसका मोमेंटम प्लस 100 है, इसका क्या करना पड़ेगा माइनस 100 करना पड़ेगा कि नहीं, और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, तब ना जीरो होगा, तभी ना जीरो होगा, अदरवाइज पॉसिबल है क्या, एकदम नहीं पॉसिबल है। तो मान लो टक्कर नहीं, एक्सप्लोजन के बाद इसका मोमेंटम क्या हो गया, एम वन वी वन वेक्टर, इसका क्या हो गया एम टू वी टू वेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा पी फाइनल अब बराबर पी इनिशियल बराबर कितना है, जीरो, जो कि क्या हो जाएगा एम वन वी वन वेक्टर प्लस एम टू वी टू वेक्टर। ये गन बुलेट सिस्टम की तरह ही है, देख लो, ठीक है ना। इसको अगर आगे बनाने की कोशिश करोगे तो तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, जीरो बराबर एम वन वी वन आई कैप, इसको क्या लिखोगे एम टू वी टू माइनस आई कैप, इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते एम वन वी वन माइनस एम टू वी टू बराबर जीरो, ठीक है। कई बार ऐसा सवाल रहेगा कि अल्फा डीके हो गया, क्या हो गया अल्फा डीके, में पता है चार यूनिट मास होता है, कितना यूनिट, ऐसा होगा कि मान लो अल्फा इधर भाग रहा है तो 4 × v1 वेलोसिटी हो जाएगा, तो बाकी जो बचा उसमें कितना मास घटा दोगे, 4 यूनिट, पीछे भाग जाएगा कितना से v2 से, इसमें पुट कर देना जो भी रहेगा आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो ना। यस, अल्फा डीके, अल्फा डीके जस्ट लाइक कोलिजन एक्सप्लोजन एक्चुअली, 4 यूनिट, हाँ अल्फा का मास 4 यूनिट होता है, ये याद रखना पड़ेगा। तो मास इनटू वेलो सिटी, तो बाकी जो मास बचा वो कितना बचेगा एम माइनस 4, कहाँ चल जाएगा पीछे, जहां पर एम वन है वहां क्या है 4, जहां एम टू है वहां क्या है एम माइनस 4, ठीक है। इसके बाद भी बता रहा हूं, ये गन बुलेट सिस्टम की तरह ही है, ये नया नहीं है, ध्यान से देखो, गन बुलेट सिस्टम भी ऐसे ही बताए थे, नया वाला आप बता रहे हैं, नोट करो। अगला जो एग्जांपल बता रहा हूं ना, इसको नीट 6 बार पूछा है, कम से कम 6 times। देखो कैसा है, ए बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 fragments, 3 टुकड़ों में बट गया, ठीक है ना, हैविंग मासेज इन द रेशियो 1:1:3, 4, 5, 6 कुछ ले सकते हो, ऐसे दिया रहता है जनरली 1:1:3, देखो किताब में मिल जाएगा। 2 लाइटर मासेस फ्लाई
इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ सेम स्पीड, सेम स्पीड मान लो u, कहता है फाइंड स्पीड ऑफ थर्ड पार्टिकल, फाइंड स्पीड ऑफ थर्ड पार्टिकल। तो देखो इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा, जीरो, डायरेक्ट पे था। अब यहां से तीन टुकड़ा बटा ना, देखो एक टुकड़ा इधर चल जाएगा, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा mu i के, एक टुकड़ा इधर चल जाएगा ठीक है mu j के, एक को इधर जाना पड़ेगा ठीक है, इसका 3m मास होगा और वेलोसिटी क्या मान लो v वेक्टर ठीक है। मान लो इसका नाम है p1 वेक्टर, इसका नाम मान लो है p2 वेक्टर, इसका नाम क्या मान लो p3 वेक्टर। तो भाई p इनिशियल और p फाइनल दोनों ही कितना होगा, जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है जीरो, और शुरुआत में कैसे था रेस्ट है। तो लिख सकते हो p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर बराबर कितना, जीरो वेक्टर, जीरो। तुमको क्या चाहिए, p3 चाहिए ना, तो p3 वेक्टर बराबर आ रहा है माइनस ऑफ p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर देख लो। और अगर तुमको क्या चाहिए p3 का मैग्नीट्यूड, तो कितना आ जाएगा रूट अंडर p1 स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पे है देख लो। इसको लिख सकते हो 3m इनटू v बराबर रूट अंडर mu का स्क्वायर प्लस mu का स्क्वायर। देखो तुम्हारा आंसर आ गया, v बराबर कितना आ जाएगा, ये जोड़ जोड़ के कितना आ जाएगा 2mu स्क्वायर, तो बाहर कितना निकलेगा रूट 2 इनटू m इनटू u बाय 3m, m से m क्या हो गया कैंसिल, आंसर आ जाएगा रूट 2 इनटू u बाय 3। मासेज और स्पीड अगर अलग अलग देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस यही रहेगा बनाने का ठीक है। एक चीज और पूछता है काइनेटिक एनर्जी, क्या पूछता है काइनेटिक एनर्जी, एंगल भी निकाला जा सकता है, अगर तुमको एंगल निकालना हो तो हम निकाल दे सकते हैं, तो उसके लिए फिर वेक्टर में आपको लिखना पड़ेगा, ये वेक्टर में क्या हो जाएगा माइनस एम यू आई कैप माइनस एम यू जे कैप आ जाएगा ना, तो ये 45 डिग्री होगा यहां से होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 180 प्लस 45 डिग्री ठीक है, इसका डायरेक्शन। यहां पर होगा क्या कि P1 और P2 जो है ना ऐसे चला जाएगा, बोलो P1 प्लस P2 का वेक्टर यहां जाएगा ना, उसी को काटने के लिए आया हुआ है। देखो ध्यान से P3 क्या दिख रहा है माइनस ऑफ P1 प्लस P2, मतलब इसी को जब तू क्या कर रहा है खाली इक्वल है ना, कोई भी फैक्टर बना रहा है ना, इसके लिए तीनों को क्या होना पड़ेगा कोप्लैनर होना पड़ेगा ना, क्या होना पड़ेगा तीनों को कोप्लैनर, तभी जीरो होगा रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन निकाल लग रहे यहां से, मैंने छोड़ तो हम निकाल ही दिए हैं, निकल जाएगा डायरेक्शन आ जा रहे हैं 180 प्लस 45 ठीक है, लिख दे रहे हैं 180 प्लस 45 यहां से ऐसे पूरा नापोगे तब ठीक है ना, ये डॉटेड लाइन से यहां तक का जो एंगल है ना ये कितना डिग्री है 45, तो यहां से नापोगे तो कितना आ जाएगा 180 प्लस 45 डिग्री पे जाएगा ठीक है। अब हमको बताना रह गया है एनर्जी के बारे में, देखो काइनेटिक एनर्जी जो होगा ना इसका इनिशियली जीरो है, क्योंकि शुरू में कैसे है रेस्ट पे, पूछ जाए कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो ऐसे निकालोगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ इंटू कितना हो जाएगा 3m इंटू वी स्क्वायर होगा ना, अब भी निकाल के बैठे हो ना जी, कितना रूट टू इंटू यू बाई थ्री, उसको यहाँ पे पुट कर लेना तो क्या पता चल जाएगा कि इतना एनर्जी ब्लास्ट में से बाहर निकला, ब्लास्ट में एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है
क्या करने पड़ता है, खाली लीनियर मोमेंटम, है ना, नोट कर लो। चलिए अगला एप्लीकेशन आपको बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, जो कि है कोलिजन। ठीक है, कोलिजन में क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसका तीसरा एप्लीकेशन है बच्चों कोलिजन। कोलिजन आगे चल के चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, उसमें बड़ा डिटेल से पढ़ना है। अभी बस खाली इतना पढ़ना है कि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा। ठीक है, तो देखिए कोलिजन जब होता है ना तो दो बॉडी क्या होता है, दूसरे के कॉन्टेक्ट में आता है, यही ना। इसका नाम मान लीजिए क्या है M1, इसका नाम मान लीजिए क्या है M2। ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन 1/2 इक्वल टू फोर्स ऑन 2/1। ये दोनों अलग कब है, जब तक आप दोनों को अलग मान रहे हैं। जैसे हम सिस्टम मान लेंगे तो हम क्या सिखाए थे, इंटरनल फोर्स हो जाएगा, यही इंटरनल फोर्स बन जाएगा और दोनों का सम कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये तब हो रहा है जब हम दोनों को मिला के क्या मान ले रहे हैं, सिस्टम। तो आप देख सकते हैं इसपे बाहरी फोर्सेस कहीं कुछ है नहीं ना, इस पे कहीं से कोई बाहरी फोर्स रहेगा भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टक्कर का फोर्स इंपल्सिव होता है, इंपल्सिव फोर्स बहुत लार्ज होता है। इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, बहुत ही लार्ज होता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए इंटरनल फोर्स क्या है, जीरो है, या फिर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स कौन है यहाँ पे, बेसिकली एम जी होगा, एम जी एंड नॉर्मल। तो सब क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, कोलाइडिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में नथिंग, इसलिए उसका बातें नहीं करते। ठीक है, कोलाइडिंग फोर्स जो है इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, जीरो। तब देखो टक्कर के बिफोर क्या होगा, ये चल रहा होगा मान लो यू टू वेलोसिटी से, और ये यू वन, यू वन को ज्यादा तेज भागना पड़ेगा तब जाके टकराएगा। टक्कर के बाद क्या होगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा V1, इसका क्या हो जाएगा V2। ठीक है, और ये कोलिजन में आपको किसमें समझा रहा हूं, वन डायमेंशन में समझा रहा हूं, सब एक्स एक्सिस में जा रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे का कहानी बताता हूं। मुझे ये साबित करना है कि टक्कर के पहले और बाद में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, नोट कर लो पहले फिर बताता हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, F12 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन 1/2। देखिए F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1/2, और हमने पढ़ा था ये किसके बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू, यही होता है ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसका फाइनल मोमेंटम देखे तो क्या है, M1 V1 है, 1 का फाइनल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, M1 V1। अब भाई समय आप मान लीजिए यहाँ पे जो टक्कर हुआ होगा उसका समय ले लो कितना, डेल्टा टी। देखा ऐसे ही, देखो F21 का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2/1 होगा। इसको क्या लिखोगे, 2 का अंतिम में मोमेंटम कितना है, और शुरू में M2 U2, और समय तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहां इससे वाले से चलो, दिया हुआ F12 बराबर कितना, माइनस ऑफ F21, F12 बराबर माइनस ऑफ F21। F12 ये है, यह M1 V1 वेक्टर माइनस M1 U1 वेक्टर वाई डेल्टा टी, और इसके आगे एक माइनस साइन लगाते हैं, बोलो तो जगह माइनस M2 V2 वेक्टर माइनस M2 U2 वेक्टर वाई डेल्टा टी। देखो तो डेल्टा टी से डेल्टा टी समय तो कट ही जाएगा, कट जाएगा ना। इसको नोट करो, ठीक है ना, फिर आगे बताते हैं, नोट कर लो। चलो आगे देखो,
ये हो जाएगा एम वन वी वन वेक्टर माइनस एम वन यू वन वेक्टर, यहां से देखो ये आ जाएगा माइनस एम टू वी टू वेक्टर और माइनस माइनस प्लस एम टू यू टू वेक्टर। अब एक काम करो, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो यह आ जाएगा एम वन वी वन वेक्टर प्लस एम टू वी टू वेक्टर बराबर एम वन यू वन वेक्टर प्लस एम टू यू टू वेक्टर। देखो ये फाइनल मोमेंटम है, देख लो ध्यान से, दोनों को जोड़ दो तो यही क्या है फाइनल मोमेंटम, ई दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, तो हेंस प्रूव ये लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है ना, ये क्या है फाइनल मोमेंटम, राइट हैंड साइड में दिख रहा है वो क्या है इनिशियल मोमेंटम, हेंस प्रूव। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसका लास्ट एप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन। बहुत आसान है, मान लीजिए ये कोई रॉकेट है जिसके एग्जॉस्ट से नीचे क्या निकलता रहता है गैस, तो आप ये समझिए गैस पर नीचे की तरफ फोर्स लगता होगा, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, फोर्स ऑन गैस बाय दी रॉकेट। तो सोचिए रॉकेट पे उल्टा रिएक्शन नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, बताइए लगेगा कि नहीं, ये अगर एक्शन है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन रॉकेट बाय दी गैस होगा क्या, बोलिए बोलिए ना सर। तो ये ऐसी है जैसे ये बुलेट है, ये गन है, बुलेट पे नीचे फोर्स लगा था, गन पे कहां लग गया ऊपर, और उसी से वो क्या करेगा रिकॉइल करेगा। तो फोर्स ऑन रॉकेट बाय द गैस, फोर्स ऑन रॉकेट बाय द गैस, इसी को फोर्स ऑफ थ्रस्ट भी बोलते हैं, जो कि हो जाएगा वी इंटू डीएम बाई डीटी। ये हम शुरू में बता दिए थे न्यूटन सेकंड लॉ जब पढ़ा रहे थे, ठीक है, जहाँ भी जो वेलोसिटी है ना ये क्या है गैस का वेलोसिटी, और डीएम बाई डीटी क्या है पर सेकंड कितना मास में चेंज आ रहा है, ये बेसिकली फ्यूल बर्निंग रेट, ये क्या है फ्यूल बर्न रेट। कभी कभी यहाँ पे एक माइनस साइन दिखेगा आपको, ठीक है ना, तो उससे घबराना नहीं है, ये इसलिए होता है कि समय के साथ मास क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, इसलिए आगे माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट मास क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो आप मॉडुलस से काम चला लीजिएगा, ठीक है ना, अगर माइनस माइनस का जरूरत नहीं पड़े, है ना, मॉडुलस में क्या आ जाएगा खाली वी इंटू डीएम बाई डीटी, हाँ डीएम बाई डीटी बस, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए एक छोटा सा टॉपिक है, रॉकेट का फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड कुछ सवाल है पीवाईक्यू में, बता देते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्या है रॉकेट है, तो रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, अभी हमने पढ़ा इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से ना कौन इसको रोकता है mg, तो अगर इसको ऊपर जाना है बिना एक्सेलरेशन के जाना है तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस क्या हो जाएगा इक्वल, बिना एक्सेलरेशन के अगर जाना है तब, तो सीधे सीधे v इंटू डीएम बाई डीटी इज इक्वल टू m, अलग लिख रहा हूं, रॉकेट का मास अलग होगा, ये गैस से रिलेटेड था फ्यूल बर्निंग रेट।
अगर ऐसा हो जाए कि रॉकेट ऊपर जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो नहीं है, मतलब कुछ होगा, 2, 3, 4, 5, 10, 12 एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, इसका क्या मतलब है ये वाला जो फोर्स होगा ना वो ज्यादा होगा नहीं? Yes. वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तभी नहीं संभव है। ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कब करेगा, जब ऊपर का फोर्स ज्यादा रहे। तो इसमें इक्वेशन लग जाएगा v इंटू dm बाई dt माइनस mg, m इसका कैपिटल लिए थे ना हम, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इमेजिन करो, इमेजिन कर सकते हो ना, अगर वेटे ज्यादा रहता आइए कम रहता तब क्या होता, रॉकेट वो गिर जाता नीचे, है कि नहीं? यस सर। ये भी लिख दे रहे हैं, लिख दे, छोड़ दे। अगर ऐसा हो जाए कि mg क्या हो जाए ज्यादा, mg क्या हो जाए ये नीचे गिरने लगेगा ना, डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा इसमें, आ जाएगा ना। ये जो रॉकेट है इसका mg ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम हो जाएगा, तो यही रॉकेट कहां करेगा मोशन, नीचे की तरफ करने लगेगा। तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, mg माइनस v इंटू dm बाई dt इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो ये सब हो गया खत्म, अगला टॉपिक होगा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। वहाँ पे एमजी मैंने